भी अगर 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं या फिर बहुत ही जल्द 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं आपके, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। लेकिन रुको 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 रुको, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि खाली 1,000 सब्सक्राइबर से काम नहीं चलता है, आपको 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा करना होता है, वो भी पिछले 365 दिन के अंदर। तो अगर आपकी ये शर्तें दोनों अगर पूरी हो चुकी है यूट्यूब पर, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मोनेटाइजेशन के लिए जिस दिन आप अप्लाई करते हो उसके केवल 2 दिन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप यूट्यूब प्लैटिनम प्रोग्राम में ऐड हो जाओगे। लेकिन रुको, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, वो क्या है मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा चैनल 2 दिन में कैसे मोनेटाइज हो गया, मैंने आज 28 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए और 30 दिसंबर को मेरे मुझे जो है नोटिफिकेशन आ गया यूट्यूब की तरफ से कि आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल किए जा चुके हो, आपके आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा करके एक मुझे मेल भी मिला, यूट्यूब पर भी नोटिफिकेशन आया। तो लेकिन मैं आज आपको वही सब शेयर करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में कि कैसे मेरा चैनल 2 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया और क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने वो गलती कर दी थी। वो जब मैंने गलती कर दी तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वही मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आप लोग वो गलती ना करो। क्योंकि यूट्यूब पर अगर आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और अगर यूट्यूब उसको रिजेक्ट कर देता है, तो पूरे 30 दिन बाद आप दोबारा अप्लाई करने के लिए एबल हो पाते हो, क्योंकि 30 दिन के लिए यूट्यूब पर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए। तो 30 दिन ऐसे टाइम पे, 30 दिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आज आपने मोनेटाइज किया, अब 30 दिन बाद मोनेटाइज करोगे, आप सोच लीजिए कितना लंबा पीरियड हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो 1,000 सब्सक्राइबर अगर पूरे हो चुके हैं और आपको अगर अप्लाई नाउ का बटन मिल चुका है, तो बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है सुधीर और आप है मेरे चैनल द सुधीर जांगिड पर। तो भैया सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हमें 4 कंडीशन जो है यूट्यूब की माननी पड़ती है अपन मोनेटाइज अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में ऐड होने के लिए। 4 कंडीशंस कौन कौन सी है सब, वो 2 कंडीशन तो बहुत कॉमन है जो कि सब जानते हैं। सबसे पहली कंडीशन है आपकी कि 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने, दूसरा होता है 4,000 घंटे का वॉच टाइम। भैया बहुत ईजी है, सही बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है देखो मैं बताता हूँ आपको। आपका अगर एक या एक वीडियो भी वायरल हो जाता है, अगर एक वीडियो भी आपका 50,000 के से ऊपर उसके ऊपर अगर व्यू आ चुके हैं ना, तो भैया 4,000 घंटे का वॉच टाइम ऐसे चुटकी बजाने में पूरा होता है। मेरा कब पूरा हो गया मुझे पता नहीं लगा, मतलब मेरे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे उसके पहले मेरा 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका था। तो बात यहाँ पर आती है, अगर आपके 2 या 3 वीडियो भी अगर वायरल हो जाते हैं, तो 4,000 घंटे का वो टाइम तो ऐसे चुटकी बजाते पूरा हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन ही नहीं करनी है बिल्कुल भी। बस आपको आपके कंटेंट पर ध्यान देना है कि आप जो वीडियो बना रहे हो ना उसके अंदर दम होना चाहिए। अगर आपके वीडियो में दम है और अगर 2 वीडियो भी आपके वायरल हो गए, तो आपका जो वो 4,000 घंटे का वो टाइम है पिछले 365 दिन में, वो भैया 3 से 4 महीने के अंदर आपका 4,000 वो टाइम पूरा खट से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरी कंडीशन 2-स्टेप वेरिफिकेशन गूगल अकाउंट पे, यानी कि जिस आईडी से आपका यूट्यूब पे अकाउंट है उस पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन ओपन ऑन कर लेना है आपको, बहुत ईजी है, आप स्टेप्स को फॉलो करिए हो जाएगा। चौथी कंडीशन क्या है, आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई भी तरह किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक है, आपके 1,000 घंटे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो इन 4 चीज़ों को तो आपको पूरा करना ही है। तो ये तो हो गई कि आप कब एबल हो सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अब भैया बात कर लेते हैं कि 2 दिन के अंदर कैसे मोनेटाइज होगा चैनल, यानी कि मान लीजिए आपके 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊं दोस्तों, जब 1,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते ना, उसके पहले मोनेटाइजेशन वाले टैब के अंदर, यूट्यूब के अंदर मोनेटाइजेशन टैब के अंदर हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलते। जैसे आपके 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे ना, तो जो 4 कंडीशंस दिखाता है यूट्यूब, 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4 घंटे 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, जो 4 वहाँ पे कंडीशन दिखाता है उसके नीचे ना अप्लाई नाउ का बटन मिलता है सबसे पहली बात। तो जैसे ही आप उस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हो, आपको ना यहाँ पर ये 3 तरह की जो है आपको 3 स्टेप आती है यहाँ पर, ये 3 स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप इनमें जाना होता है और उसके बाद में आप जो है अप्लाई कर पाते हो मोनेटाइजेशन के लिए। अब ये 3 में से सबसे पहले स्टेप है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, दूसरी स्टेप है ऐड गूगल एडसेंस अकाउंट, और तीसरा है रिव्यू यूट्यूब अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहला क्या करना है आपको, उस पर स्टार्ट पे एक बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे, चेकबॉक्स को टिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, पहली स्टेप पूरी, खट से आप दूसरी स्टेप पे आ जाओगे। अब दूसरी स्टेप पे आपको, मेरा तो ये कहना है कि गूगल एडसेंस पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ही अकाउंट बना के रखो गूगल एडसेंस पे, ताकि आपके अगर पहले से अकाउंट होगा ना तो खट से ऐड हो जाएगा, वरना इस स्टेप में सेकेंड स्टेप में आपको पूरा गूगल एडसेंस पे ना आपका पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपके 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, उसी दौरान आप जो है गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट बना लो। पहली टिप तो ये हो गई आज की आपके लिए कि
गूगल एडसेंस पे आपको पहले से अकाउंट बना के रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए बाद में। तो जब आप गूगल एडसेंस पे अकाउंट बना के रखेंगे तो दूसरी स्टेप में आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पे गूगल एडसेंस की कुछ आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आएगी और वो आपको नेक्स्ट करते जाना है, आप समझ जाएंगे बहुत ईजी है। और जब आप यहाँ पर सेकेंड स्टेप को स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे नीचे मैसेज आएगा कि आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा, 1 या 2 दिन या कुछ दिन ऐसा आपको लगता है कि इस प्रोसेस में कुछ दिनों का समय लग सकता है, तो आपको बस यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देना है और सारे स्टेप्स को फॉलो करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके और आपको यहाँ पर जो है ऐड कर देना है गूगल एडसेंस अकाउंट। अब ये बोलेगा आपको कि यहाँ कुछ दिन लग सकते हैं इसके लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब तीसरी मज़ेदार बात क्या है दोस्तों, जैसे ही आपका गूगल एडसेंस अकाउंट ऐड होगा यूट्यूब के साथ ऑटोमेटिक चला जाएगा रिव्यू के लिए, आपको कुछ नहीं करना। तीसरे स्टेप में आपको कोई स्टार्ट बटन पे नहीं दबाना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट यूट्यूब के साथ ऐड हुआ, सेकंड स्टेप पे डन लिखा हुआ आया और आपका चैनल ऑटोमेटिक चला गया यूट्यूब के पास रिव्यू के लिए। अब यहाँ रुको, यहाँ रुकना इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये स्टेप्स आपको अप्लाई नाउ जो किया था आपने मोनेटाइजेशन के लिए, उससे पहले अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अगर मान लो एक छोटी सी भी गलती हो गई तो 30 दिन के लिए बाहर निकल जाओगे, रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन से, तो 30 दिन बाद अप्लाई कर पाओगे, 30 दिन तक अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले अप्लाई करने से पहले जितनी भी फालतू की वीडियो पड़ी आपके चैनल पर सबको डिलीट मार दो, क्योंकि अब आपका चैनल जाने वाला है रिव्यू के लिए यूट्यूब के पास। यूट्यूब क्या देखता है, सबसे ज़्यादा वॉच टाइम किस वीडियो पर आ रहा है वो चेक करेगा, आपके वीडियो और वीडियो के अंदर जो आपने बोला है वो, प्लस आप मतलब आपका वीडियो जिस आपका वीडियो कंटेंट जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, टाइटल वैसा है या नहीं है, उसका थंबनेल कुछ और दिखा रहे हो और अंदर वीडियो में कुछ और चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं कोई स्ट्राइक तो नहीं आई है आपके चैनल पर, किसी वीडियो पर कोई स्ट्राइक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखता है, अनवांटेड कंटेंट तो नहीं डाला हुआ है फालतू आपने, ये सारी चीज़ें ना गूगल बड़ी बारीकी से चेक करता है। तो भैया सबसे पहले सारी अनवांटेड वीडियोज़ को डिलीट कर दो। मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियो डिलीट करी मेरे चैनल पर मोनेटाइजेशन डालने से पहले, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आपने ये सब कर लिया तो भैया कह रहा हूँ 2 दिन के अंदर ना आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप वेट करो, मैं 28 तारीख को मैंने 28 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया, 30 दिसंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। 2 दिन के अंदर मेरे पास मैसेज आ गया यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो यही है दोस्तों आज की स्टोरी, ये जो मैंने टिप्स आपको दिए ना यही आपको ध्यान में रखना है। और मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले गूगल एडसेंस अकाउंट को आप जो है ऐड बना लीजिए अपना अकाउंट गूगल एडसेंस पे, और उसके सारी इन्फॉर्मेशन खटाक से यूट्यूब ले लेगा सेकंड स्टेप में, तीसरी स्टेप रिव्यू के लिए ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी थी आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप इन बातों का ध्यान रख करके 2 दिन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज करवा सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपके काम आएगी क्योंकि आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, मोनेटाइजेशन आपका बहुत जल्द होने वाला है आपका भी चैनल, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मिलते हैं आपसे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।